भारत में मंकी पॉक्स के अब तक कुल 9 कंफर्म केस आए हैं। आपको बता दें कि वही एक मरीज की मौत भी हो गई है। जो केस आए हैं उनमें से 5 केरल और 4 दिल्ली के हैं। वहीं यूपी के गाजियाबाद में संदिग्ध मरीज मिलने के बाद स्टेट मेडिकल एक्सपर्ट पैनल की हाई लेवल कमेटी भी एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि पैनल इस वायरस को कम्युनिटी स्प्रेड नहीं बनने पर जोर दिया है। तो वहीं राज्य स्त्री समिति की वरिष्ठ सदस्य और लखनऊ के KGMU के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर विपिन पुरी बताते हैं कि अगले 30 दिन ज़्यादा खतरनाक है, अलर्ट होकर इस संक्रमण से बचे। तो वहीं डॉक्टर विपिन पुरी कहते हैं कि ये मानसून का सीजन है, मंकी पॉक्स को लेकर अगले 30 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी 2 केस मिले हैं, इसलिए आने वाला एक महीना अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। बीते 2 साल में कोरोना संक्रमण भी इसी मौसम में फैला है। इस बार मंकी पॉक्स से अलर्ट रहने की जरूरत जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।